जय माता दी। मैं आपका दोस्त मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एस्ट्रो चैनल बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्या राशि का जुलाई 2018 का राशिफल। दोस्तों, आप सब तैयार हो जाइए कन्या राशि के बारे में जानने के लिए। कन्या राशि के लिए बात शुरू करते हैं सबसे पहले धन से। धन हानि के योग बन रहे हैं। कोई नज़दीकी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा ना करें। दोस्तों, जब भी कोई कार्य करें तो कन्या राशि के व्यक्ति वैसे भी इमोशनली होते हैं, तो इनको कोई भी आसानी से फूल बना सकता है। तो दोस्तों, कोई भी कार्य करें तो उससे पहले सोच समझ कर करें कि आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले। और ख़ास तौर से धन के संबंध में आप आँख मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परिवार और मित्र की। पिता से संबंध को लेकर यह समय ज़्यादा अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। कार्य क्षेत्र में बिजी रहने के कारण आप परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे, जिसके चलते आप घर से दूर हो सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आपकी संतान का विदेश में गमन हो सकता है। दोस्तों, आपको रिश्तों को संभालना है और अपने दोनों रिश्तों के बीच में, यानी अपने ऊपर वाले यानी माँ बाप और अपने नीचे वाले यानी अपनी संतान और अपने मित्र को इस तरीके से लेकर चलना है इस माह कि आपके बीच में कोई भी बिना मतलब की खटपट ना हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिश्ते और प्यार की। कई विपरीत लिंग जातक आपसे दोस्ती करने के लिए ललायत रहेंगे। पुरानी प्रेमी आपके नज़दीक आने की दोबारा कोशिश करेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो प्रेम प्रस्ताव रखने में देरी ना करें। दोस्तों, ये समय आपके लिए प्रेम प्रसंद के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में विवाह में बदलने की पूरी पूरी आशा है और ये समय आपको जरूर कोई ना कोई इससे संबंधित सफलता दिलाकर जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम को इजहार करने में देरी ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि यदि स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो सारे कार्य हमारे अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो ऐसे ही नहीं कहा गया है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी दोस्तों सभी कार्य अच्छे होते हैं। तो स्वास्थ्य नींद ना आने की शिकायत कुछ लोगों को हो सकती है। दोस्तों, हो सकता है ये समय आपके लिए नींद से संबंधित परेशानी दे, इसलिए काम के साथ साथ सेहत के लिए भी समय निकालें। आपके लिए जरूरी होगा लोगों के दीर्घकालीन रोग से पीड़ित ना हो जाएं, इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि वाहन और मशीनरी का प्रयोग करते वक्त आप सावधानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको उनसे भी चोट चपेट लग सकती है, जैसे करंट लगने की संभावना बनती है, वाहन से आपको चोट लगने की संभावना बनती है। तो दोस्तों, अपना इस बात पर ध्यान रखें कि स्वास्थ्य किसी भी रूप में खराब ना होने पाए और पूरी तरीके से आप रात में नींद अपना पूरी कर सकें। किसी भी टेंशन को अगर होने पर अगर आपको महसूस होती है कि कोई टेंशन बहुत ज़्यादा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो दोस्तों आपने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि अपने सिजाने एक लोटे में पानी रखना है और उसको रात में रख कर सो जाना है। सिजाने के ऊपर ऐसा रखिएगा कि दोस्तों हाथ लगने के बाद में गिरे ना। सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि अगर आप बेड के नीचे रख लें, जहां आपका सर रखा जाता है आएगा सर लेटने के बाद में, वहां पर अगर आप रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। और सवेरे उसको किसी फूल में जाकर डाल दें तो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा आराम प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए शिक्षा और कैरियर की। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि कैरियर जो होता है वो सभी के लिए अपनी एक महत्व रखता है। तो जॉब में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बड़े अधिकारियों का सहयोग अगर आपने नहीं रखा तो तालमेल आपका नहीं बैठेगा और गाड़ी पटरी से उतर सकती है। इसलिए दोस्तों, कैरियर को बहुत ध्यान से रखिए और बहुत संभाल कर चलिए, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, बिजनेस स्टॉक प्रॉपर्टी में शत्रु पक्ष के सामने आप हार जाएंगी। तो दोस्तों, इस समय आप ऐसा कोई भी निवेश ना करें जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई नुकसान हो जाए। मेडिकल, माइग्रेन, खनिज क्षेत्र, प्रिंटिंग प्रेस से काम जुड़ने वाले व्यक्तियों को अच्छा मुनाफा होगा। इलेक्ट्रॉनिक संबंधित सभी व्यवसाय में आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग है हरा और अंक है 5। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।